अखिलेश, कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कितनी देर से मैं बैठा पड़ा हूँ, तुम केजरीवाल जी की कम से कम आधा घंटे से दाढ़ी बना रहे हो। कितना वक्त लगेगा अभी बैठे बैठे मुझे? ये तो इंतजार की इंतहा हो गई। तुम्हारी दुकान पे जब भी बाल कटाने या दाढ़ी बनवाने के लिए आओ, इतनी देर इंतजार करना पड़ता है। देखो मोदी जी, आप तो ज्यादा बोलो ही मत, आपका नंबर अभी नहीं आने वाला है। सबसे पहले शिवराज सिंह जी का नंबर आएगा, उसके बाद अमित शाह जी का, फिर लालू जी का, योगी जी का और राहुल का, उसके बाद सबसे आखिर में आपका नंबर आएगा। लेकिन अखिलेश, इस तरीके से तो बैठे बैठे मुझे शाम हो जाएगी। तुम्हारी दुकान पे इंतजार बहुत करना पड़ता है। ऐसा करो अखिलेश, पहले मेरी दाढ़ी बना देना, शाम को चाय पिला दूंगा बढ़िया वाली। देखो मोदी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसका नंबर है, नंबर लाइन से ही चलेगा। ये चाय का लाले तो मुझे दो मत। माना कि आपकी चाय की दुकान है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप मुझे चाय पिला दोगे तो मैं आपकी जल्दी दाढ़ी बना दूंगा या आपके जल्दी बाल काट दूंगा। मोदी जी, ये गलत बात है, इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए आपको। हम भी तो बैठे पड़े, इस तरीके से हमारी मिठाई की दुकान है, हम भी तो अखिलेश से कह सकते हैं कि शाम को हम तुम्हें दो गुलाब जामुन खिला देंगे, हमें पहले दाढ़ी बना दो। लेकिन नहीं, जिसका पहले नंबर है उसका पहले ही नंबर लगेगा। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अखिलेश से हो रही है, अखिलेश से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, अखिलेश से भी बात कर रहे हो तुम? अखिलेश हमसे बगैर पूछे आपके बालों की पहले कटिंग थोड़ी कर देगा। अरे हम भी तो पहले से लाइन में खड़े हुए हैं, यानी के बैठे हुए हैं, दुकान पे इंतजार तो हम भी कर रहे हैं, क्यों लालू जी? अरे अमित शाह जी, आप बेफालतू में चिंता क्यों कर रहे हो? जिसका जो नंबर है, शुरू से उसी के पहले बाल कटेंगे। मोदी जी के बोलने से कुछ थोड़ी होगा। मोदी जी, आपको इंतजार करना है, करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी दूसरे की दुकान पे चले जाओ बाल कटाने। यहाँ तो एक एक करके जो पहले आया है उसके पहले बाल कटेंगे, जो बाद को आया है उसके बाद को बाल कटेंगे। तो अखिलेश, मैं अब कुछ बोल रहा हूँ, मैं आराम से बैठा तो हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, अब भी बेफालतू में तुम बोले जा रहे हो। लेकिन अखिलेश, एक बात कहो, तुम्हारी दुकान पे बैठे बैठे वाकई में घुटने दर्द करने लगते हैं, बाल कटाने वालों की बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। वैसे लालू जी, एक बात बताऊं, अखिलेश से अच्छे बाल कटिंग कोई नहीं करता है, ना अखिलेश से अच्छी कोई दाढ़ी बनाता है, इसीलिए इसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है। अखिलेश, सच सच बताना, दिन भर में कम से कम शाम तक तुम 200 रुपए कमा के उड़ते होगे इस दुकान से। बहुत कमाई करते हो तुम, बहुत भीड़ रहती है तुम्हारी दुकान पे, बहुत इंतजार करना पड़ता है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।